एक और जहां T20 वर्ल्ड कप का बुखार लगातार चढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छी और बड़ी गुड न्यूज आ रही है और वह खबर है कि टीम इंडिया के नए कोच होंगे गौतम गंभीर। जी हां, यह कंफर्म हो चुका है कि अब इंडियन टीम की जो कोचिंग है वह गौतम गंभीर T20 वर्ल्ड कप के बाद करते हुए नजर आएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में जहां हम आपको दे रहे हैं क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खुशखबरी। आज हमारे पास एक ऐसी खबर जो हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी के लिए खुशी की बात है। जी हां, टीम इंडिया के नए कोच का नाम अब कंफर्म हो चुका है और वह है गौतम गंभीर। एक और जहां T20 वर्ल्ड कप का बुखार चढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी और खुशखबरी है। टीम इंडिया के नए कोच होंगे गौतम गंभीर। जी हां, यह कंफर्म हो चुका है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के कोच की भूमिका निभाएंगे। आपको बता दें, गौतम गंभीर और BCCI के बीच सहमति बन चुकी है। IPL फाइनल के दिन BCCI के अधिकारियों और गौतम गंभीर के बीच एक बैठक हुई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था। उस बैठक में ही यह तय हो गया था कि गौतम गंभीर ही टीम इंडिया के नए कोच होंगे। गौतम गंभीर ने अपनी शर्तें भी रखी हैं। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि वे किसी भी खिलाड़ी के दबाव में नहीं आएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे टीम के सभी फैसले अपने तरीके से लेंगे और कप्तान के साथ मिलकर टीम का चयन करेंगे। गंभीर ने फ्री हैंड मांगा है और किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव को नकारा है। BCCI जल्द ही इस खबर का आधिकारिक ऐलान करेगी। गौतम गंभीर ने अपने लक्ष्यों को भी साफ कर दिया है, जिनमें 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, WTC फाइनल, 2026 T20 वर्ल्ड कप और 2027 ODI वर्ल्ड कप शामिल है। गंभीर ने कहा कि वे जल्द ही वनडे और T20 की भविष्य की टीम तैयार करने पर काम शुरू करेंगे। उनके बड़े लक्ष्य हैं 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, WTC फाइनल, 2026 T20 वर्ल्ड कप और 2027 ODI वर्ल्ड कप। गौतम गंभीर का यह विजन भारतीय क्रिकेट के लिए एक नया युग शुरू कर सकता है। तो दोस्तों, अब देखना होगा कि गौतम गंभीर के नेतृत्व में टीम इंडिया कैसे प्रदर्शन करती है और क्या वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं। हम सभी क्रिकेट प्रेमियों की उम्मीदें और शुभकामनाएं उनके साथ हैं। तब तक बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। हम आपको क्रिकेट की हर ताजगी भरी खबर से अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।